लिंग के सिकुड़न का घर बैठे इलाज, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक रोग समूह हूँ तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहते हैं कि लिंग का सिकुड़ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लोगों का है, और लोग नहीं रहा तभी उनको लगता है कि अपना कम है, छोटा है, मोटा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, इसलिए लोग आते रहते हैं। कुछ लोगों का एक्चुअल में सिकुड़ जाता है, तो उसके कारण तो मैंने अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे जो वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, पब्लिश किए हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। क्या है कि लिंग का सिकुड़ना, एक तो ब्लड सप्लाई कम होता है, इसलिए होता है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है लिंग में, ब्लड अंदर जाता ही नहीं है, और समझो जाता है तो जल्दी वापस आ जाता है, तो वो छोटा होता है, रुकता नहीं मतलब ब्लड। अभी इसके लिए घर बैठे बैठे क्या इलाज करना बताता हूँ, और बाद में फिर डॉक्टर का भी इलाज बताता हूँ। क्या है कि इसके लिए आप यदि खोबरे का तेल, उसमें लवंग का तेल मिलाना और विटामिन ई की कैप्सूल वो उसमें डालना, ये मिक्सचर करके यदि आप उससे मसाज करते हैं रोज सवेरे शाम 2 बार, और उसको ऐसा बाहर पुल करते हैं और मसाज करते हैं, तो उसका फायदा हो सकता है। तो ये आप जरूर करके देखिएगा। वैसे आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल भी देखना चाहिए कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुई क्या। यदि वो कम हुई है तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करके टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट या इंजेक्शन लेना चाहिए। स्ट्रेस यदि बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस तो तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करना, हिप्नोसिस करना, वो भी जरूरी है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कम हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डेफिनेटली पेनाइल इम्प्लांट डाल सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट जो है, मतलब जो रेडीमेड पेनिस आते हैं फ्लेक्सिबल, वो इम्प्लांट देशी और विदेशी भी रहते हैं। विदेशी बहुत महंगे होते हैं और ऑपरेशन करके वो डालना पड़ता है। वैसे ये सभी से फ़ायदा नहीं होता, डेफिनेटली आप डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, जिसमें पी शॉट थेरेपी जो है वो आप ले सकते हैं। पी शॉट में क्या होता है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है पेनिस में, करीब करीब 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे लंबाई बढ़ सकती है या सिकुड़ना कम हो सकता है। या दूसरा शॉकवे थेरेपी जो है वो भी आप ले सकते हैं, जिससे भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा एलोपैथी में टाडालाफिल जैसी गोली कम मात्रा में लेते हैं रोज, तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है और फायदा हो सकता है। आयुर्वेदिक उपचार जो है, इसमें मैंने पहले ही और वीडियोस में डाला हुआ है कि जैसे योहिमबीन है, फिर जिंको बिलोबा है, फिर दमियाना है, ऐसे काफ़ी सारे आयुर्वेदिक टैबलेट जो है वो भी आप ले सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।